हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लौकी के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरीके से अगर आप लौकी के कोफ्ते बनाएंगे तो। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए ना, सबसे पहले हम लौकी को अच्छे से छील लेंगे और ग्रेट कर लेंगे वॉश करके। उसके बाद हम उसमें एक कटोरी ना बेसन ऐड कर लेंगे, और उसके बाद हम 4 से 5 लहसुन की कलियाँ छील के, मैं इसे डायरेक्ट इस तरीके से कद्दूकस कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे ग्रेट कर सकते हैं या चॉप करके भी डाल सकते हैं। कद्दूकस करके डालने से ना, थोड़ी सी इसमें जो छोटी छोटी बाइट्स आती है ना लौकी के कोफ्ते में, वो बहुत टेस्टी लगते हैं पकोड़ों में इस तरीके से। तो ज़रूर इस तरीके से लहसुन और अदरक ना ग्रेट करके ऐड करिएगा। अब हम इसमें ना अपना अदरक भी ग्रेट कर लेंगे। मैंने 1/2 इंच के करीब ना अदरक ग्रेट किया है। दोनों चीज़ ग्रेट करके मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सिर्फ 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च मैंने नॉर्मल वाला लाल मिर्च डाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ ताकि ज़्यादा तीखा ना हो। उसके बाद 1/2 छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सॉरी, इसी स्टेज पे ना हमें नमक भी ऐड करना है। मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैं अभी नमक डाल दे रही हूँ। नमक ना बहुत ध्यान से डालिएगा, हाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि पकोड़े में और ग्रेवी में, जो हम इसकी कढ़ी बनाएंगे, ग्रेवी बनाएंगे ना, उसमें भी नमक डालिएगा। तो इसलिए ना इस नमक को बहुत ध्यान से डालिएगा। अब सब चीज़ों को ना अच्छे से अपने हाथों की हेल्प से ना मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने में ना बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लौकी में ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है, और नमक ऐड करेंगे ना तो ऑलरेडी वो और ज़्यादा ना मॉइस्चर रिलीज़ करेगा। इसलिए ना हमें बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे ना, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे ना, तो बेसन के कारण ना ये बहुत अच्छी बाइंडिंग देना स्टार्ट करेगा। तो जब भी आप लौकी के कोफ्ते बनाएंगे और उसके पकोड़े बनाने के लिए बैटर रेडी करेंगे ना, तो उसके लिए ना बिल्कुल भी अलग से पानी मत ऐड कीजिएगा। इसी तरीके से ये मिक्स करिएगा, आपके बैटर ना बहुत अच्छे से बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसके ना इस तरीके से थोड़े थोड़े बॉल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे। आपको जितने बड़े बॉल्स पसंद आते हैं कोफ्ते के लिए, उतने बड़े बना सकते हैं। मैं थोड़ा ना मीडियम साइज़ का ही रख रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी में जब हम इसे पकाएंगे ना, तो ये थोड़े बड़े साइज़ के बन जाएंगे, इसलिए मैं थोड़े से छोटे या मीडियम साइज़ के बॉल्स बना रही हूँ। तो चलिए हम सारे के सारे ना ये कोफ्ते बॉल्स बना के साइड में रख लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे के प्रोसेस में बताऊंगी। हमने सारे बॉल्स बना के रख लिए हैं। अब मैंने ना कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें तेल मैंने पहले से ही गरम कर लिया था, प्री हीट करके रख लिया था। उसमें हम एक एक करके ये बॉल्स डालेंगे। आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस हो ना, आप एक बार में उतने ही पकौड़े फ्राई कीजिएगा, बॉल्स फ्राई करिएगा। एक साथ ना बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड मत कर दीजिएगा, जितनी आपकी कढ़ाई में स्पेस हो ना, उतने ही कोफ्ते बॉल्स ऐड कीजिएगा। मेरी कढ़ाई ना काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मैंने इसमें 10 से 12 कोफ्ते बॉल्स डाल दिए हैं, और ये बहुत आसानी से इजीली ना एक बार में फ्राई हो जाएंगे। तो इसे हल्के हाथों से ही उलटना है पलटना है फ्राई करते वक्त स्टार्टिंग में, क्योंकि ना अगर आप बहुत झटके से पलटेंगे ना, तो कोफ्ते के ना जो शेप है ना, वो बिगड़ जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। जब भी आप पकोड़े या कोफ्ते बनाएं ना, तो स्टार्टिंग में ना बहुत इजीली आप उसको पलटें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हल्के हाथों से जो गरम तेल है ना, उसके ऊपर डाल सकते हैं चम्मच के हेल्प से, और उससे ना ऊपर का पोर्शन भी ना थोड़ा सा सेटल्ड हो जाएगा, तो आपके पकोड़े ना इजीली टर्न हो जाएंगे। आप इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, और इसे ना एकदम क्रिस्पी होने तक बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, थोड़े से सॉफ्ट ही रहने चाहिए, ताकि जब हम इसे ग्रेवी में डालें ना, तो ये अच्छे से फूल के बड़े हो जाएं और टेस्टी लगें। सारा का सारा ग्रेवी का जो मसाला है ना, वो पकोड़े ना आराम से ऑब्जर्व कर सके कोफ्ते बॉल्स। तो इसे बहुत इजीली आपको फ्राई करना है, और एकदम ज़्यादा क्रिस्पी होने तक नहीं फ्राई करना है, मतलब कच्चा भी नहीं रहना चाहिए ना ज़्यादा क्रिस्पी होना चाहिए। तो इसे अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है एक स्लॉट। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ कढ़ाई से, उसके बाद ना हम दूसरा स्लॉट भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे, और उसे भी इसी तरीके से निकाल के साइड में रख लेंगे।
दूसरा स्लॉट मैंने फ्राई करते वक्त वीडियो में नहीं दिखाया, एक ही बार दिखाया ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब हम इसके लिए ना ग्रेवी के लिए मसाला प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज जो कि मैंने रफली चॉप करके और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा वो डाल के हमने मिक्सर जार में ना इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। इसका पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्याज है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ता है। देखिए इधर हमारे पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, कोफ्ते बॉल्स फ्राई हो चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप इसे नॉर्मल इस तरीके से भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इधर मसाला पेस्ट भी रेडी हो चुका है। कढ़ाई में हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है और थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया है, मतलब 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल छोड़ दिया है। उसमें 1/2 चम्मच जीरा डाला है। फिर ये मसाला पेस्ट जो मैंने रेडी किया था प्याज लहसुन अदरक का, वो हम इसमें डाल देंगे। और मिक्सर ग्राइंडर जार में ना जो साइड में पेस्ट रह जाता है लगा हुआ, वो भी निकाल लीजिएगा ताकि हमारा बिल्कुल भी मसाला ना वेस्ट ना हो। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें पहले भून लेना है ताकि ना जो लहसुन और प्याज के ना कच्चेपन की स्मेल होती है वो सारी की सारी निकल जाए। और इसका जैसे जैसे स्मेल निकलती जाएगी ना, आप देखेंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा। लगभग से ना इसका मसाले में से ना वो स्मेल निकल चुकी है, तो अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 छोटी चम्मच हम हल्दी डालेंगे, 1.5 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। पहले 1/2 चम्मच डाला, फिर अब मैं 1 चम्मच और ऐड करूँगी धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इसलिए मैं 1 चम्मच पूरा ऐड कर रही हूँ। और इससे कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी सब में, या ग्रेवी भी, कोई भी ग्रेवी बनाएंगे ना उसका कलर बहुत अच्छा आता है। फिर हम नमक ऐड करेंगे। नमक इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ, मैंने कोफ्ते बनाने के लिए मैंने इसमें 1/2 चम्मच उस टाइम ऐड किया था, अब मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक मैंने ऐड किया है। इन सब मसालों को अच्छे से हमें मिक्स करते हुए भून लेना है। मसालों को ना हमें लगातार चलाते हुए भूनना है और मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूनना है, ना हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे ना बहुत जल्दी ये जल जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मॉइस्चर ऑब्जर्व हो चुका है मसालों में से, तो इसमें टमाटर की पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। मैंने 2 मीडियम साइज़ का टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर जार में ना डाल के अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें डाल के ऐड कर रहे हैं और इसे फिर से मिक्स करते हुए भूनेंगे। इससे ना टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये ग्रेवी जो है ना वो बहुत थिक बनने वाली है, रिच बनने वाली है। आपको इसमें बनाने के लिए ना बिल्कुल भी अलग से कुछ काजू या कोई और चीज़ ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप लौकी के कोफ्ते बनाएंगे ना, तो इसकी ग्रेवी बहुत रिच बनने वाली है। अब हम ना इसमें पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए, क्योंकि हमारे मसाले पूरी तरीके से भुना चुके थे, आपने देखा था बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचा था। पानी ऐड कर दिया है मैंने, उसमें ना 1/2 छोटी चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1/2 ग्लास के करीब मैंने पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। गरम मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। अब इसमें ना एक उबाल आने दीजिएगा। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो जो कोफ्ते बॉल्स हमने फ्राई किए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और पूरी तरीके से डिप होने के हो जाए, ऐसा होना चाहिए हमारी ग्रेवी। उसके बाद हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब मैं आपको 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ ढक्कन हटाकर। हाँ देखिए कितने अच्छे से हमारे कोफ्ते एकदम रेडी हो चुके हैं और कोफ्तों के साइज़ देखिए एकदम इंक्रीज़ हो चुका है। कोफ्तों ने ना पूरा का पूरा ग्रेवी का मसाला मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा जितना ठंडा होता जाएगा वो उतनी ज़्यादा थिक होती जाएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए, वीडियो पर नए आए, फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब का आइकन जरूर प्रेस कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और आप इजीली अपने घर पे इतने टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ बना सकें। फेस्टिवल सीज़न आ चुका है और लौकी के नॉर्मल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरीके से एक बार लौकी के कोफ्ते बनाकर देखिए। इसे पूरी परांठे राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सब बहुत मज़े से खाने वाले हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और आप सब अपना ध्यान